पिनियल कोड का चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस, इनमें कुछ लोगों को क्राइम करने के बावजूद भी छोड़ दिया जाता है और उनको छूट दी जाती है। ये लोग कौन है और इनको क्यों छोड़ दिया जाता है और इनको छोड़ देने की वजह क्या होती है, इस पे हमारे मुल्क का लॉ क्या कहता है, हम इस वीडियो में अब यही देखेंगे और इस सेक्शन पे भी यही देखेंगे। सेक्शन 76, मिस्टेक ऑफ फैक्ट डिफेंस। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय द रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन अ गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय द लॉ टू डू इट। नंबर वन, द एक्ट इज नॉट अ क्राइम विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट। मतलब ये, ऐसा कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं होगा जो किसी ऐसे इंसान ने किया होगा जो कि बाउंड बाय लॉ होगा उस एक्ट को करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मतलब ये कि किसी हायर अथॉरिटी ने उसको ऑर्डर पास किए होंगे या किसी कोर्ट ने ऑर्डर पास किए होंगे कि आपने ये एक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, एक्ट डन बाय अ पर्सन हु इज बाउंड बाय अ लॉ टू डू इट। एग्जाम्पल इसकी ये है, अ सोल्जर फायर ऑन अ मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ हिज पीयर ऑफिसर इन कंफर्मिटी विद द कमांड ऑफ द लॉ अ सोल्जर हैज कमिटेड नो ऑफेंस। यानी कि एक सोल्जर था, उसके ऑफिसर ने, सीनियर ऑफिसर ने कहा कि फायर कर दो मॉब के ऊपर, तो ऐसे में वो ऑफिसर उन ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए उस लोगों पर फायर करेगा। तो उस सोल्जर ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया अपने सीनियर की लॉफुल अथॉरिटी और लॉफुल ऑर्डर फॉलो करते हुए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक्ट डन बाय अ पर्सन हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक्टिंग इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ टू डू इट। मतलब ये, ऐसा कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं होगा जो किसी ऐसे इंसान ने किया होगा जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से ये समझ बैठे कि वो बाउंड बाय लॉ है, यानी कि उसका जो वो एक्ट कर रहा है वो बाउंड बाय लॉ है उसको करने के लिए, और वो उस एक्ट को अच्छी नीयत के साथ कर रहा हो। इसी एग्जांपल देखते हैं, सपोज यू आर वर्किंग इन अ लाइब्रेरी एंड यू टेकन अ लैपटॉप विथ यू, व्हेन यू लीव You take someone else's laptop, fairly believing it is yours. You have made a mistake of fact. You thought the laptop was yours, but it isn't. This mistake also is an honest, reasonable mistake. So you have a defense to theft charges in this example. Like in this example, you solely believe that by law, फुल ऑनरशिप इट वॉज योर लैपटॉप। मतलब ये कि एक बंदा था, वो लाइब्रेरी में गया अपने लैपटॉप के साथ, वो वहाँ काम कर रहा था, लेकिन जब उठा तो पैक करते हुए अपना जो सामान पैक करके निकला तो किसी और का लैपटॉप ले गया। तो इस कंडीशन में अगर जो दूसरा बंदा है जिसका वो लेके गया और अपना वहाँ छोड़ के आ गए, तो वो ज़्यादा, एक तो ये कंडीशन होगी कि वो आपस पे लैपटॉप वापस एक्सचेंज करके उसको दे के सॉरी कर लेगा, दूसरी कंडीशन ये होगी वो FIR कटवा देगा उसके ऊपर चोरी की, तो फिर कोर्ट उसको सेक्शन 76 का डिफेंस देगी उस बंदे को जो गलती से उसका लैपटॉप ले गया था। तो ये है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, कोर्ट ने एक पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर दिया जेड को अरेस्ट करने के लिए। पुलिस ऑफिसर गया, उसने अपनी इंक्वायरी की, इलाके में गया, वहाँ सारा अच्छी तरह देखा, और उसके बाद उसको लगा कि जो दूसरा शख्स है ना, जो वाई है, असल में शायद यही, यानी कि इंक्वायरी के बाद उसको लग रहा था कि सारा शख्स उसको लग रहा था कि यही बंदा है जिसको कोर्ट ने कहा है, ठीक है, तो वो उसको अरेस्ट करके ले गया। तो ये वाला जो एक्ट होगा, ठीक है, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगा, वो लॉफुल ऑर्डर को फॉलो कर रहा था लेकिन उसने इंक्वायरी पूरी की, एलिमेंट ऑफ गुड फेथ था, बट इधर यहाँ पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया
और उसने गलती से किसी और को अरेस्ट कर लिया। तो ये जो उस पुलिस ऑफिसर का एक्ट है उसको प्रोटेक्शन या डिफेंस मिलेगा सेक्शन 76 के अंदर। और अगर पुलिस ऑफिसर जानबूझ के कुछ करता है या अपने किसी दुश्मन को या अपने किसी मुखालिफ को पकड़ के ले आता है कि उसको मैं जलील करूंगा, तो ऐसा एक्ट सेक्शन 76 के अंदर फॉल नहीं करता। और लास्ट चीज, मिस्टेक मस्ट रिलेटेड टू फैक्ट एंड नॉट टू लॉ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मतलब ये कि जो मिस्टेक होगी वो फैक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, लॉ से रिलेटेड ना हो। क्योंकि अगर तो लॉ से रिलेटेड मिस्टेक ऑफ लॉ की इजाज़त दे दी जाती, ठीक है, तो सारी दुनिया ही कहती कि हमें तो लॉ का अजीब पता ही नहीं था और हमसे बस क्राइम हो गया, अब हमें माफ़ कर दो, क्योंकि हमें तो लॉ का पता नहीं था, हम तो गरीब बंदे हैं, ठीक है। तो इसलिए मिस्टेक ऑफ लॉ की कोई इजाज़त नहीं है। If an ignorant person commits a crime, not realizing the consequences, should he/she be forgiven? Ignorant of law has it clear in section 76. The ignorant of law is no excuse for committing crime. Law presumes every person has a knowledge of law apart from a child. बच्चा वो जो 12 साल से छोटा हो, वो कोई भी murder कर ले, कोई भी offence commit कर ले, उसको सजा नहीं मिल सकती। और अ पर्सन, इंसेन पर्सन यानी कि वो इंसान जो पागल है, वो भी कोई ऑफेंस कमिट कर ले तो उसको भी कोई सजा नहीं मिलने वाली। और अ पर्सन सो ड्रंक दैट ही रीच अ स्टेज ऑफ इंसेनिटी, और ऐसा बंदा जिसको किसी इंसान ने नशा दे दिया और वो इतना कोई नशे में हो गया कि उस का जो मेंटल लेवल वो एक पागल शख्स के, ठीक है, तो वो भी कोई क्राइम उस टाइम करेगा, कोई भी उसका एक्ट, उसको सजा नहीं मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।